पौड़ी पहुंचे कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। मीडिया से दूरी बनाते हुए श्रीनगर विधानसभा के विकास कार्य की बैठक को अधिकारियों के साथ मिलकर गुपचुप तरीके से निपटा डाला। दरअसल कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत लोक निर्माण विभाग, वन विभाग, सहकारिता और कृषि विभाग की बैठक लेने के लिए पौड़ी पहुंचे थे, लेकिन बैठक शुरू होने के कुछ ही देर बाद ही बीच बैठक में मंत्री रावत ने पत्रकारों को बैठक से बाहर जाने को कह डाला। ऐसे में बैठक में क्या चर्चा हुई इसकी जानकारी पत्रकारों को नहीं मिली है। पौड़ी से मुकेश पच्छेदी की रिपोर्ट। बैठकों से मीडिया को बाहर कर देना, ये तो फिर दाल में कुछ काला वाली बात नजर आती है। इस तरह की जो अगर कार्यप्रणाली रहेगी तो निश्चित तौर पे ये संदेह के घेरे में है। मंत्री महोदय को ये समझना चाहिए कि जो सार्वजनिक बैठकें होती हैं, विकास कार्यों से संबंधित बैठकें होती हैं, उनकी जानकारी जन जन तक पहुंचनी चाहिए। आप विधानसभा की समीक्षा कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपकी विधानसभा की जनता को यह हक है जानने का कि आप किस तरह से किन निर्देशों को दे रहे हैं, समय पे वे पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। एक पारदर्शिता आप बनाए रखिए प्लीज। जब भी वो अपनी समीक्षा बैठक लेते हैं या कभी कोई बैठक लेते हैं तो पहले वो देखते हैं कि आसपास कोई मीडियाकर्मी तो नहीं है। यदि मीडियाकर्मी होते हैं तो उनको बाहर जाने के लिए कह दिया जाता है और उसके बाद वो अपनी बैठक को शुरू करते हैं। जब इतना ही डर है मीडिया से तो फिर ये औपचारिकता किस लिए? अपने सूचना विभाग को बुलाएं, उनसे खबर कवर करें और वो दे दिए। मीडिया को पहले ही बता दिया जाए कि हमारी किसी भी बैठक में मीडिया को नॉट अलाउड है। मीडिया को बैठने के बावजूद उन्हें बाहर निकालना, ये तो सरासर हमारी समझ में नहीं आता कि किस तरीके से वो कैसे अपनी बैठकों में क्या छुपाना चाहते हैं, क्या अधिकारियों से करवाना चाहते हैं। ये तो उनकी भविष्य के गर्भ में है।